से मौजूद हूँ कराची के इलाके बेरिया टाउन में। अगर बात की जाए गुज़िश्ता रोज़ से जो तैयार आई पी आई का गिर के दबा हो गया था, तो उसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल मीर बालाश बुगटी जो है वो शहीद हो गए थे। तो आज हम उनके घर पे आए हैं ताज़ियत करने के लिए, और हम उनके वालिद से भी बात करेंगे, उनसे भाइयों से भी बात करेंगे, उनके जो चचा है उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहता है, कि किसकी गफलत है और जिनकी गफलत है क्या उनको सज़ाएँ दी जाएँ, और जो कमेटी बनाई गई चार रुकनी, तो क्या ये कमेटी जो है हमेशा की तरह इसी तरह कमेटियाँ बना के छोड़ दी जाएगी, या फिर इसके ऊपर भी काम होगा, जो इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको कैफरे की राह तक पहुँचाया जाएगा। तो आइए हम इनके वालिद साहब से बात करते हैं और उनकी फैमिली कोशिश करेंगे उनके भाइयों से बात करने की, और उनके जो चाचा हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए उनसे। वो लाहौर से कराची एक जहाज़ आया था, किसी ख़राबी की वजह से वो हादसे में जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी लोगों की जो है जाने गए, शहीद हुए। तो आज हम शहीद के घर आए, इनके वालिद साहब से हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इन्होंने अपने बेटे को शहीद के रुतबे में पाया है तो किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आप ये बताइए कि माशाल्लाह आपका बेटा शहीद हुआ है, और माशाल्लाह ऐसी बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऐसे शहादत के मौके मिलते हैं और शहीद होते हैं, क्या समझते हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? दरअसल मेरे बेटे को शुरू से शहादत का शौक़ था, वो बातों बातों में कहता था हंस कर कि मैं शहादत पसंद करता हूँ अपने लाइफ में। शहादत का शौक़ था उनको, आपको फ़ख्र है कि आपका बेटा शहीद हुआ है? बिल्कुल मुझे फ़ख्र है कि मेरे बेटे ने जो उसके चॉइस था, जो वो चाहते थे, वही उनके लाइफ में उन्हें मिल गया, और शहादत जैसा रुतबा और कुछ भी नहीं है। अच्छा माशाल्लाह और बेटे भी हैं आपके पास माशाल्लाह, वो भी एजुकेशन उन्होंने कंप्लीट कर लिए, तो क्या आप उनको भी जो है इसी फील्ड में आप मतलब एक ले जाएंगे ताकि वो भी एक जवान इस पाकिस्तान का एक जवान बने? खुशकिस्मती ये है कि मेरे दो बच्चों ने यही एग्ज़ाम कमीशन का पास किया हुआ है, अभी उनका लेटर बाद में आएगा काकुल के लिए ट्रेनिंग के लिए, वो सेकंड ने भी पास किया है, उसके बाद छोटा जो उसने भी एफएससी करके पास किया हुआ है। बाकी दुख ये है कि ये पाकिस्तान के नाकारा जहाज़ जो चला रहे, जो हमें नुकसानात हुए, मुझे नहीं हुआ है सर, मुझे तो फ़ख्र है मेरा बच्चा शहीद हुआ है, लेकिन वो सारे शहीद जो हुए हैं, हालांकि हमारे बच्चे मेजर या अपने लेफ्टिनेंट या कोई कैप्टन, ये तो असासे हैं, इसके अलावा दूसरों का भी दुख है। ये नाकारा जहाज़ जो चला रहे हैं ना, इनका कुछ तदारक किया जाए, इनको गिरेबान से पकड़ा जाए कि भई ये किस तरह आप लोग इनको मूव कर रहे हो, जो चलने के काबिल भी नहीं है, इनको पता नहीं क्या चाहिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये बात हम सोच रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम से जहाज़ खड़े हुए हैं, और आज से नहीं, ये बहुत पुराने जहाज़ हैं, लेकिन कोई चेकिंग बैलेंस होता नहीं है, और उसको जिस तरीके से उड़ान भराने के लिए बस कहा जाता है कि सिर्फ पैसा नहीं होता, जो जाने जो कीमती होती हैं वो ज़ाया हो रही हैं, तो खुदारा इस पर जो है एक्शन लेना चाहिए, इंक्वायरी बिठानी चाहिए। जो जहाज़ थे दो महीने से, जैसे कि लॉकडाउन आप सब जानते हैं कि ये जहाज़ खड़ा हुआ था, और ये जहाज़ खड़े हुए को उन्होंने जो मतलब है कि एक सफ़र के लिए जारी किया, तो मैं समझता हूँ उसके जो ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो क्या समझते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर कोई काम करेगी? हुकूमत शायद करेगी, अगर हुकूमत नहीं करेगी तो मैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर ऐसे बहुत सारे हादसा हुए हैं, उनमें यही होता है कि कमेटियां बनाई जाती हैं और उसके बाद जो है लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं होता, कोई मतलब किसी को सज़ा नहीं मिलती, आज तक हमने अपने इस दौर में नहीं देखा। यही तो हमें अंदाज़ा भी यही है, आखिर यही होगा, पहले शुरू है, इंक्वायरी चल रहा है, बाद में देखेंगे, पता ही नहीं है कि इंक्वायरी किधर गया। जी बिल्कुल, ये शहीद के वालिद साहब थे, इनके ये तासरात थे कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो इंशाल्लाह हम जो है अपनी हाई कोर्ट तक भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, और अपना हक जो है, जो इंसाफ है, वो ज़रूर लेके रहेंगे। मज़ीद उनके जो भाई हैं उनसे भी हम बात करेंगे, इनका यही कहना था, मकसद यही था कि आप चाहते हैं शायद आइंदा ऐसा एक और सानिया ना हो, दूसरों के बच्चों पर ये जुल्म ना हो, दूसरे लोगों पर, सारे हमारे भाई हैं उन पर इस तरह का वो ना हो। जी बिल्कुल, ये यही कह रहे हैं कि ये इस तरह का सानिया फिर ना हो, क्योंकि हमेशा हमने यही देखा है कि कमेटियाँ बना के छोड़ दी जाती हैं, इंक्वायरियाँ चलती रहें सालों साल, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकलता। शहीद के भाई हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनके चचा हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ज़ाहिर सी बात है वो जो माशाल्लाह जवान थे, यंग यानी उनकी शादी भी नहीं हुई है, बड़ा अफसोस होता है, लेकिन हमें फ़ख्र भी है कि ऐसे हमारे भाई जो शहीद हो रहे हैं, अपने मुल्कों के मुल्क के लिए भी हमेशा जो है वो तैयार रहते हैं, लेकिन ऐसे जो हमेशा आसानियाँ हुए हैं उनमें इनकी जो जानें हैं इस तरीके से ज़ाया हो जाती हैं, बड़ा अफसोस होता है। हमारी पूरी कैचनी की टीम जो है आपके इस दुख की घड़ी में पूरी शरीक है, हमें भी अफसोस होता है कि हमारे इस तरह के जवान जो है
अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक आप सबको जो है हिम्मत दे और हौसला दे, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे, इसको हाई अलर्ट करेंगे ताकि उन तक जो हमारे हुक्मरान हैं, जो इसके ज़िम्मेदारान हैं, वहाँ तक बात पहुँचाएँ और इस इंक्वायरी की जो है इंशाल्लाह आगे तक इसको चलाएँ ताकि इसको ख़त्म ना किया जाए, हमेशा की तरह जैसे आपने देखा होगा ख़त्म कर देते हैं। जो जनरल सेक्रेटरी थे वहाँ से मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, वो भी ताज़ियत करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो इनसे बात करेंगे वो क्या कहना चाह रहे हैं। और माशाल्लाह हमने ये भी देखा है कि जमीयत वतन पार्टी के जितने भी यहाँ लोग हैं वो माशाल्लाह वो पहले दिन भी यहाँ पर आए हैं और इनके जो आके इन्होंने आके दुख में इनके साथ जो है खड़े हुए हैं और इस तरीके से हौसला अफजाई कर रहे थे। यही हो सकता है कि हम हौसला अफजाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं शहीद के लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम दें, और जितने भी इस जहाज में शहीद हुए, जितने भी ख़ानदान गमजदा हुए, अल्लाह पाक सबको सब्र दे, दिली सब्र। सबसे पहले बात ये कि हमारे जो ये इदारे हैं, इनके पीआईए के या दूसरे या तीसरे, ये सिर्फ पैसा बटोरने में लगे हुए, इनको इंसानी जानों का कोई परवाह नहीं। तो इस पर एक मजबूत स्ट्रॉन्ग कमेटी बनाई जाए। मैं ये कहता हूँ कि उसमें आर्मी के अफसरान भी हों ताकि इनकी तहकीकात की जाए साफ शफाफ, और इनको जो है कि फिर किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि आइंदा के लिए कोई ऐसा वाक़ा रोनुमा ना हो, और आइंदा जो है हम जितने भी पाकिस्तानी है, जितने भी आवाम है, कि वो इस तरह दिन ना देखें, इस तरह गमजदा दिन सानिया ना हो। तो मैं हुकूमत से, बालाए हुकाम से पुरजोर अपील करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से, कि वो जो है इस वाक़े की भरपूर तहकीकात करे साफ व शफाफ, और एक इंक्वायरी कमेटी बिठाया जाए। जी, आज भी मैंने सुना था कि एक चार रुकनी कमेटी बनाई गई है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि एक मजबूत कमेटी बनाई जाए, उनकी इंक्वायरी की जाए और इनको जो कीपर किरदार तक पहुँचाया जाए। इस तरह से देखते हैं कि ये बहुत कम लोग होते हैं वो खुश नसीब जिनको शहादतें जो है मिलती हैं। इस बात पर हमें बड़ा फख्र है कि हमारा बच्चा शहीद हुआ मुल्क कौम के लिए, मगर हमें इस बात का दुख है कि मतलब पीपीआई की इस किस्म के जो ये जहाज चला रहे हैं तो ये तो हमेशा लोगों को नुकसान आते हैं, नाकारा जहाज है, मतलब इनका चलाना किया जाए। जो इसके कमेटी के मेम्बरान हैं मतलब उनसे पूछ पूछ की जाए, न कि मतलब कि उसको ऐसे ही खेल कूद में रफा दफा किया जाए, मतलब इनसे पूछा जाए कि मतलब ये कैसे इनको चला रहे हैं जो नाकारा जहाज आते हैं। जो इसके असल लोग जो हकदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। बिल्कुल, उनको पहुँचाना चाहिए कैफिले किरदार तक। बिल्कुल, ये शहीद के चाचा थे जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, इनका यही कहना है कि जो इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको कैफिले किरदार तक पहुँचाना चाहिए, इसकी इंक्वायरी कंप्लीट की जाए, और हमें जो है एक हम सब किया एक ये नहीं, काफ़ी लोग जैसे हैं कि जो शहीद हुए उसके अंदर काफ़ी घर जो हैं लोग इस टाइम एक मातम जो नहीं होता, हम समझते हैं कि इस तरीके से उनका मंसर पेश है कि ईद के दिन रमज़ान मुबारक का महीना और ऊपर से इतना कहर इनके ऊपर आके गिरा है। मैं समझता हूँ कि बड़े अफसोसनाक ये वाकया हुआ, इस तरह नहीं होना चाहिए था। हमारे साथ मौजूद हैं शहीद भाई के भाई हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि अक्सर जो भाई होते हैं वो भाइयों के करीब होते हैं और वो हमेशा दिल की बात भी होती है वो मेरे ख्याल में भाई को ही बताते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आपके माशाल्लाह भाई शहीद हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं? मुझे फ़ख्र है मेरे भाई पे, और मुझे इतना भी यकीन है कि अंदर जितने भी फौजी जवान थे उनकी तो ट्रेनिंग होती है पीएमए में, उनकी सख्त से सख्त ट्रेनिंग होती है, उन्होंने मेरे भाई ने एयरबोर्न ही किया हुआ था। ये मुझे यकीन है कि मतलब जैसे ही मतलब जहाज में ख़राबी हुई थी जितने भी आर्मी के अंदर ऑफिसर थे ये दूसरों को तसल्ली दे रहे थे। मुझे फ़ख्र है अपने भाई पे। अच्छा, आपने भी एजुकेशन कम्प्लीट करी तो क्या आप भी जो है इंशाल्लाह एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे? जी इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगा। मेरे भाई का मुझे हमेशा उन्होंने यही कहा है कि मैं भी आपको अपने साथ ही देखना चाहता हूँ। मैंने अभी क्लियर किया आर्मी का ही, इंशाल्लाह मेरा जैसे ही ज्वाइनिंग आएगा मैं चला जाऊँगा ट्रेनिंग पे। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहते हैं हुकूमत को जिसके ज़िम्मेदार आने कि इसकी जो है इंक्वायरी बिठाई जाए? यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये जहाज सिर्फ हमारे घर पे नहीं, ये मतलब जितने भी अंदर थे सबके घरों पर मतलब ये जहाज गिरा है, इनकी मतलब सख्त से सख्त इंक्वायरी की जाए। ये हवा में उड़ने वाली चीज़ है, ये कोई रोड पे तो नहीं कि मतलब कहाँ पे भी जाके बंदा साइड पे लगा के इसको मतलब बना ले, इनकी तो मतलब इनको इंक्वायरी करनी चाहिए। बिल्कुल,
जी बिल्कुल, ये शहीद के भाई थे, इनके तासरात, इनका यही कहना था कि इंक्वायरी तो होनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, एक हमारा घर नहीं है बल्कि ऐसे कई घर हैं जो अपने प्यारों से जो है महरूम हुए, और इस तरह नहीं होना चाहिए। और इस तरह के जो जहाज़ हैं चलाते हैं तो उससे पहले चेकिंग बैलेंस होना चाहिए। जो हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई चेकिंग बैलेंस का इदारा नहीं है, अगर वो सालों साल खड़े भी रहेंगे ना उसको कोई चेकिंग बैलेंस नहीं करता, और उसको जो है ना उड़ाने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। दूसरी बात करेंगे उनसे, पूछेंगे ये छोटे भाई उनके, और इनसे पूछेंगे इनका भाई जो शहीद हुआ है इस हवाले से उनके क्या कहना है और क्या तासरात इनके, जैसे किस तरह के नाकार जो जहाज़ खड़े हुए हैं, और उस हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं हुकूमत सिंध से, ताकि इस तरह के जो नाकार जहाज़ इनको ख़त्म किया जाए, ताकि किसी का नुकसान ना हो ना इस तरह कोई आसानियाँ हो। अच्छा, आपका भाई शहीद हुआ है, हम आपके दुख की इस घड़ी में शरीक हैं, आप ये बताएँ कि हुकूमत सिंध से क्या अपील करते हो, इस तरह के जो नाकार जहाज़ हैं ख़त्म होने चाहिए, ताकि इस तरह का और कोई सानिया फिर पेश ना आए। मेरी सिर्फ हुकूमत सिंध से नहीं बल्कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये दरख्वास्त है, मैं उनसे अपील करता हूँ कि मेरे भाई का ख्वाब था अपने मुल्क की खिदमत करना, मेरे भाई ने वो खिदमत बजा लाई, हर मौके पर हर महाज पे उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है। मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि इसकी जाँच की जाए, जो जो इसमें मुलविस हैं उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। मैं अपने भाई के लिए इंसाफ नहीं मांग रहा, मेरे भाई को इंसाफ मिल चुका है। आज मेरे भाई ने जन्नत में दोबारा ईद मनाई है, आज उसका दूसरा दिन जन्नत में था, इससे ज़्यादा मेरे भाई का ये ख्वाब था, उसने जन्नत में अपनी ईद मनाई है। बस मैं ये चाहता हूँ कि PIA के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जाए, केस दायर की जाए, तमाम तर शफाफियत के साथ इस केस को अंजाम तक पहुँचाया जाए, ताकि जो हम सब सह रहे हैं, हमने जो बर्दाश्त किया है, आइंदा कोई अपना प्यारा न खोए। जी बिल्कुल, ये इनके तासरात, इनका यही कहना था कि चीफ आर्मी स्टाफ से अपील करते हैं और हुकूमत सिंध से कि इसके ऊपर इंक्वायरी जो है बिठाई जाए, और जो इसके अंदर जो हैं जो ज़िम्मेदारान हैं जिनकी ये गलतियां हैं उनको जो है कफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। हमने तो अपना प्यारा खो दिया है क्योंकि वो शहीद हुआ है, और बिल्कुल हकीकत में अगर देखा जाए उनका ख्वाब भी था कि मैं शहीद हूँ, लेकिन वो शहीद हुए हैं, लेकिन जो और लोग जो शहीद हुए हैं, और आइंदा इस तरह का और सानिया ना हो, न लोग अपने प्यारों से अलग हों। सब क्या कहेंगे आज शहीद के घर पर आए हुए हैं आप ताज़ियत करने के लिए, क्या समझते हैं कि किसकी ये गफलत है? सबसे पहले कह अच्छा है कि जो न्यूज़ है इसका शुक्रगुजार हूँ, जो ये हमें हमारे बीच में आके तमाम जो प्रोग्राम कास्ट किया और वो दुनिया के हर कोने कोने पर ये पहुँचाया, मैं आपका और तमाम इदारे का शुक्रगुजार हूँ। मैं समझता हूँ कि ये पहला वाक़या नहीं है, PIA का और दूसरे किसी एयरलाइन का हर टाइम यही हुआ है, लेकिन इंक्वायरी बराए नाम जैसे आटे में नमक के बराबर है। मैं वक़्त के हकमों को ये कहना चाहता हूँ, जो आपने ये कहा कि इस जहाज़ के अंदर तमाम जो है ना वो शहीद हैं, मैं समझता हूँ जो जहाज़ के मलबे के नीचे आए हैं उनको भी शहादत करार दिया जाए, उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया जाए, उनके जो घर बार जो टूटे हैं उनके लिए भी जो है मुआवजे का ऐलान करे, उन्हें भी शहादत के रुतबे पर ऐलान किया जाए। और मैं इन वक्त के हाकमों को ये अपील करूँगा कि खुदारा कामेटी को छोड़कर ये आर्मी के हवाले किया जाए, कामेटी आ जाए, ताकि इस जो हकीकत तक पहुँचे। मैं शहीद बालाजी खान का आज वो हमारे जिस्मानी में जगह नहीं है, लेकिन वो रूह के हिसाब से मैं समझता हूँ वो हमारे बीच में ही बैठा हुआ है, और हम उनके ख़ानदान के हर बंद उनके फ़र्ज के साथ दुख के दर्द के साथ शरीक हैं। तो आप यहाँ पर आए, पहले दिन में आए थे और आज भी आप आए, क्या समझते हैं कि हुकूमत है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर फोकस नहीं कर रहे हैं? हमारी जानों का सौदा हो रहा है, ये किस्म का सौदा है जो हमारे साथ मतलब किया जा रहा है। हमारे नौजवान माएँ बहनें बच्चे ये सफ़र कर रहे होते हैं, अभी भी आपने जैसे कि देखा कि हम सब के ऊपर एक पहाड़ जो गिरा है, तो इसके जो ज़िम्मेदारान हैं क्या कहना चाहेंगे कि उनको ये सज़ा मिलनी चाहिए? शुक्रिया। ये तो बराए नाम होता है कमेटी का, अमल दरामद कुछ भी नहीं होता है, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ये पहले मरतबा नहीं हुआ, पहले भी ऐसे कई वाक़े हुए, लेकिन कमेटी के नाम से सुनकर वो खामोश हो गए। तो मैं पाकिस्तान हुकूमत से IS MI FC इदारों वालों से अपील करता हूँ, खुदारा ये कमेटी मजबूत एक बनाया जाए जो आर्मी के अंडर में हो, IS के अंडर में हो। ऐसे तो ये कमेटियां नाम के बने हुए था, उसके अमल दरामद कुछ भी नहीं सुना है, इसका अमल दरामद किया जाए, और जो जिसने लापरवाही किया है
उन लापरवाहों को एक सज़ा मिलना चाहिए केफरे करदार तक, ताकि आइंदा कोई ऐसा कोई लागर्जी ना करें और ऐसे दूसरा कोई वाकया पेश ना आए। खुदारा ये जो है जाने ज़ाया हुआ है, उनमें से हमारा एक शहीद, ऐसे तो हमारे नवाब अकबर खान बुकपी से काफ़ी ख़ानदान ने शहादत पाली। शायद तो मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि हमारा मीर बालाज खान शहीद भी एक इस आर्मी का था। हमें इस बात पे फ़ख्र है और शहीद हमेशा हमारे ज़िंदा होते हैं, वो हमारे साथ है, इस बात पे हमें फ़ख्र है। और दूसरा मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि नवाबजादा शाहदन बुगटी ने बोला कि शहीद हमारे ज़िंदा है, और बुगटी कौम इंशाल्लाह नौजवान हमेशा बड़े शौक़ से फ़ौज में आएंगे और आर्मी में आएंगे और आगे कदम बढ़ाएंगे। जी ये इनके तासरात थे, इनका यही कहना था कि जो इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको जो सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि एक शहीद का जो उनको रुतबा मिला है, बहुत कम लोग हैं उनको मिलता है। तो आज भी इनके हमने वाले साहब से बात करी, उनके चचा से बात करी, उनके भाई से बात करी, तो उनका यही कहना था कि इस तरह के जो जहाज़ होते हैं उनको चेकिंग बैलेंस किया जाए, उसके बाद उड़ान के लिए उनको कहा जाए। क्योंकि हमने जब भी देखा है कि काफ़ी टाइम से जहाज़ खड़े हुए और कोई चेकिंग बैलेंस होता नहीं है, तो अब इन्होंने अपील करी अगर हमें अगर इस तरीके से अगर कमेटी जो चार रुकन कमेटी बनाई है, अगर उस पर अगर कोई किसी हद तक वो नहीं पूछते तो इंशाल्लाह हम कहें सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, हाई कोर्ट तक भी जाएंगे और इंसाफ अपना जो है वो लेके रहेंगे। और मैं समझता हूँ जो इसके जिम्मेदारान हैं उनको सख्त से सख्त जो है सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा इस तरह का एक